हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आइए हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं। ये बनाना बिल्कुल आसान है। इसके लिए हम एक छोटा गिलास पानी लेंगे और इसमें हम 2 कली लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 1 प्याज डालेंगे पानी में। इसको उबाल के बनाते हैं। 2 टमाटर हमने लिया है और इसको हम थोड़ा सा मिला देंगे और नमक डाल देंगे। नमक से जल्दी गल जाएगा और ये सॉस आप घर पे बढ़िया बना सकते हैं। आराम से तुरंत तैयार हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा ढकेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। ये अब हमारा पक गया है। देखिए, पानी भी इसका कम हो गया है। अगर आपको ज़्यादा पानी लग रहा है तो थोड़ा सा और पकने दें। इसका पानी ज़्यादा ना रहे, थोड़ा कम रहे। ये देखिए ठंडा हो गया है और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे अब हम थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। आधा चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और इसमें हम थोड़ी सी हींग डालते हैं। हींग से स्मेल अच्छी हो जाती है। एकदम थोड़ी सी डालेंगे और इसको हमने जो ग्राइंड किया है उसी में डाल देंगे। और ये हम इसको चलाते रहेंगे ऐसे खुला ही। इसको ढकना नहीं है। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देते हैं। एक आधा चम्मच मैंने डाली है और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इससे कलर बढ़िया आ जाता है सॉस का। और इसको हम खुला ही पकाए हैं। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। ये देखिए, खुला ही जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहें। ये देखिए बिल्कुल सॉस हमारा तैयार हो गया है। हम इसको निकाल लेते हैं। बढ़िया सॉस आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल होममेड। आपको बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अगली रेसिपी में हम आपसे मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।